नमस्ते। आज हम बनाएंगे आम की मीठी लौंजी। दोस्तों, आम की लौंजी बनाने में कोई भेद नहीं है, बहुत ही जल्दी बनती है और फटाफट बन जाती है। देखिए, मैंने तो ये बड़े वाले मतलब लंबे वाले कलमी आम लिए हैं। आप लोग कोई से भी आम ले सकते हैं लौंजी बनाने के लिए और सिंपल तरीके से फटाफट झटपट बन जाएगी। और मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। प्लीज़ फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए मेरी वीडियोज़ को, क्योंकि सिंपल सी होती हैं, सादा सी होती हैं, कोई तामझाम वाली नहीं होती है। अभी फटाफट से मैं आपको बना के दिखाती हूँ। लौंजी बड़ी ही अच्छी लगती है, मैं तो भाई पराठे और पूरी सबके साथ इसको खा लेती हूँ। आप लोग कैसे खाते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कलमी आम की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। दोस्तों, आपके यहाँ इस आम को क्या बोला जाता है, आप लोग जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसको कलमी आम बोलते हैं, क्योंकि जो आधा मीठा होता है, दशहरी जो बनने वाला होता है, उसको पहले कलमी आम बोलते हैं। आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि इस आम को आपके यहाँ क्या बोला जाता है। फिलहाल आप कोई सी भी आम से, कच्चे आम से बना सकते हैं लौंजी। मैंने तो ये जो आम मिल गए मुझे मार्केट में, ये कलमी आम थे, तो मैंने इसकी बना ली। आप कोई से भी आम से बना सकते हैं, सारे आम से अच्छी लगती है खट्टी मिट्टी लौंजी ये, तो आप लोग किसी आम से भी तैयार कर सकते हैं। चलिए, मैंने सारे आम काट चुके हैं और अब इसको धोने के बाद फटाफट से इसको बना लेती हूँ। तो दोस्तों, देखिए, मैंने अब इसके लिए ले लिया है धनिया साबुत और सौंफ। इसको मैं पीस लूँगी। आप लोग साबुत भी डाल सकते हैं, पर मैं पीस के ही डालती हूँ। पीस के बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका। थोड़ा सा पानी डाल के दोस्तों, सबसे ज्यादा पसंद मेरी सासू माँ को ये चीज है, मीठी आम। तो मैं उनके लिए बना के रखती हूँ, उनकी ही फेवरेट है ये, मेरी मम्मी जी की पसंद की। आप लोगों के हमें आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों को कितना पसंद है ये, कमेंट करके मुझे। तो दोस्तों, सौंफ धनिया सारा पीस चुका है, मैं इसको बटोर लूंगी। ये देखिए, सौंफ धनिया पीस लिया मैंने। तो दोस्तों, मैंने रख दिए गैस पे कढ़ाई, इसमें थोड़ा सा डाल दिया तेल सरसों का और हाथ में ले लिया है जीरा। तो तेल हो गया गरम और इसमें डाल दिया मैंने जीरा। अब मैं डाल रही हूँ जीरा, चटक मटक हो चुका है सौंफ धनिया का तेल। तो अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी मिर्ची डाल दी है, थोड़ा नमक डाल दिया और हल्दी डाल दी है। मिर्ची थोड़ा सा चटपटा, नमक थोड़ा सा खट्टा मीठा, स्वाद खूब अच्छे से भून लेंगे इसको। दोस्तों, खूब अच्छे से मसाला जब भुन जाए, लाल लाल हो जाए, ये आम इसमें छोड़ दें। खूब बढ़िया से चला दो सारे आम, सारे मसाले में आम मैंने बिल्कुल परफेक्ट मिल। दोस्तों, लगा दूंगी मैं इसमें पानी। अब भैया, पानी लगाना जरूरी है, क्योंकि गलेगा ये। यहाँ ले लिए इसके लिए मैंने गुड़, आधा किलो आम है तो 250 ग्राम मैंने गुड़ ले लिए। अब डाल दूंगी दोस्तों मैं इसमें गुड़। अब बस खोल ले दूंगी इसको। तो दोस्तों, देखिए कितने अच्छे से आम और खोल रहे हैं अभी। जब तक गाढ़े हो जाएंगे तभी मैं इनको उतारूंगी। और देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं आम, ये बिल्कुल रस भरे, खट्टे चटपटे मीठे, इतने बढ़िया लगेंगे। आप लोग भी अपने परिवार को जरूर बना के खिलाना दोस्तों, ये बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, बनके हो चुकी है तैयार लौंजी आम की। देखिए परफेक्ट बिल्कुल। तो दोस्तों, गुड़ की लौंजी बिल्कुल तैयार है।
और अगर आपको मेरी वीडियो ये वाली पसंद आई हो तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आप लोग ट्राई जरूर करके देखना, बड़ी ही टेस्टी लगती है। देखिए, और मैं आपको इसको फोड़ के भी दिखाती हूँ कितने अच्छे से आम गल चुका है, ये देखिए। अभी बहुत गर्म है और बहुत ही टेस्टी लगेगी, तो तैयार हो गई है। आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर करना, और अपनी फैमिली को जरूर खिलाना, क्योंकि मैं तो अपनी सासू माँ के लिए बनाया, उनका फेवरेट है। आप लोग भी अपने परिवार के सदस्य को बना के जरूर खिलाना। खाओ खाओ मम्मी, खाओ। मजा आ गया भाई। मम्मी कैसी बनी है? बढ़िया, मजा आ गया। मम्मी की फेवरेट बनाई है आज। Ha ha ha!